हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप न्यूज साइट कैसे बना सकते हो। पूरा स्क्रैच से बताऊँगा कैसे आप होस्टिंग बाई करोगे, कैसे डोमेन बाई करोगे, कैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे, मतलब कंप्लीट साइट मैं आपको बनाना बताऊँगा। साइट मैप वगैरह जो भी मतलब बेसिक सेटिंग्स होंगे न्यूज साइट के लिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। यदि आप न्यूज साइट बनाना चाहते हो और एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। इस टॉपिक पर अगर आप अपनी साइट बनाते हो तो इसमें ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हम आर्टिकल लिखते हैं वो फ्रेश होते हैं और वो जल्दी जल्दी उस पर जो है ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए और न्यूज साइट बनाकर आप 400 से $500 ईजिली महीने का अर्न कर सकते हो। सो आइए देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एक न्यूज साइट बनाने के लिए। पूरा स्क्रैच से सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइज, एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है, मतलब आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिलती रहेगी। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूज़ साइट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे डॉक्टर वेब होस्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और डॉक्टर वेब होस्ट देख सकते हैं, आपको गूगल में लिखना है डॉक्टर वेब होस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं पहली साइट मिलेगी drwebhost.com, तो इसे ओपन कर लेना है। और डॉक्टर वेब होस्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पे होस्टिंग कंपनी और काफ़ी पुरानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉक्टर वेब होस्ट पे विजिट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर वेब होस्ट पूरी तरह से ओपन हो चुका है। और डॉक्टर वेब होस्ट में आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखते काफ़ी सस्ते में यहाँ पे प्लान यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फीचर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप शेयर्ड होस्टिंग से एक अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप 30 रुपये मंथली से भी आप अपनी यहाँ पे ब्लॉगिंग कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ता है। 30 रुपये मंथली यानी कि 1 रुपये पर डे का आपका लगेगा और आप अपना ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर वेब होस्ट में बहुत सारे होस्टिंग आपको मिल जाते हैं, जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग, रिसेलर होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, पावरफुल वर्डप्रेस होस्टिंग, मतलब कई प्रकार के यहाँ पे सभी प्रकार के लगभग यहाँ पे होस्टिंग आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, डॉक्टर वेब होस्ट का सपोर्ट वगैरह भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे व्हाट्सएप पे सपोर्ट मिल जाएगा आपको, साथ ही साथ यहाँ पे कॉल करने के लिए भी बटन दिया गया है, कॉल नंबर भी दिया गया है, तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे आपको होस्टिंग कैसे लेना है। यहाँ पे होस्टिंग वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आप देखेंगे तो वर्डप्रेस होस्टिंग, पावर वर्डप्रेस होस्टिंग, रिसेलर, शेयर्ड। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप शेयर्ड होस्टिंग के साथ जा सकते हैं। तो शेयर्ड होस्टिंग हम सिलेक्ट करते हैं और इस पर अपना एक न्यूज साइट बनाएंगे, और जैसे ही हमारी साइट ग्रो करने लगेगी हम इसे अपग्रेड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे प्लान सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे 3 प्लान हैं बेसिकली, एक है बिगिनर प्लान, दूसरा एडवांस प्लान और तीसरा बिजनेस प्लान है। तो अगर आपके पास बजट हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिजनेस के साथ जाएँ, बिजनेस प्लान के साथ। अगर आपका बजट इतना भी नहीं है, 79 रुपीज़ आप खर्च नहीं कर पाते हैं मंथली, तो आप 30 रुपीज़ या 59 रुपीज़ के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आपको फीचर मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप एडवांस वाला देखें तो इसमें आप 5 वेबसाइट चला सकते हो, 10 GB SSD स्टोरेज आपको मिलता है, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट, MySQL डेटाबेस आपको मिलेगा, सी पैनल कंट्रोल पैनल आपको मिल जाता है, और सबसे खास बात है इसमें फ्री वीकली बैकअप्स आपको मिलते हैं, जो कि ये बहुत ही अच्छा है। वीकली बैकअप से आपकी साइट अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप 1 वीक तक का अपना जो आपका जो बैकअप है वो स्टोर रहेगा आपके सर्वर पे, आप सिंपली उसे रिस्टोर कर पाएंगे, ठीक है। फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है, 99.9% गारंटी मिल जाती है अप टाइम की, बैंडविड्थ भी ठीक है, फ्री सेटअप है, और इसमें DDoS प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है, ठीक है। और अगर आपको ये होस्टिंग पसंद नहीं आती है तो आप 7 डेज मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है, तो आप इजीली 7 दिनों के अंदर अपने इस पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बाय करना है, बाय नाउ बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है बाय नाउ पर। अब यहाँ पे आपसे आपका डोमेन पूछा जाएगा, जैसे आप अगर आप डोमेन रजिस्टर करना चाहते हो तो यहाँ पे डोमेन डालिए, जैसे मैं यहाँ पे brightnewsstudio.com डाल दिया हूँ,
और अगर आपका कोई पहले से डोमेन है तो यूज एग्जिस्टिंग डोमेन आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने एक डोमेन नेम डाल दिया है और इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल रहेगा तो इसे हम यहाँ पे पिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये अवेलेबल है तो चलिए इसे हम ऐड कर लेते हैं। तो इसे ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऐड बटन दिया गया है, ऐड बटन पे क्लिक कर देना है और ये देखिए एडेड हो चुका है। अब नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पे कंटिन्यू बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे कार्ट में आ जाएंगे आप। यहाँ पे आपका पूरा समरी दिखेगा। तो यहाँ पे होस्टिंग आप देख सकते हैं 59 रुपीज में आपको मंथली सेटअप मिल रहा है 59 रुपीज। और इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे की तरफ देखेंगे तो बिलिंग साइकिल वगैरह आ जाएगा। और वर्डप्रेस टूल की डिलक्स अगर आपको चाहिए तो आप 15 रुपये और भी इसमें ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे चूज बिलिंग साइकिल, तो अगर आप बिलिंग साइकिल पे जाते हैं तो यहाँ पे आप अगर 1 साल के लिए होस्टिंग लेते हैं तो देख सकते हैं केवल 708 रुपये में आपकी 1 साल के लिए होस्टिंग जो है हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे सेमी एनुअली लेना चाहते हैं, क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो क्वार्टरली भी ले सकते हैं। मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट है, आप इससे सस्ता आपको कहीं भी होस्टिंग नहीं मिलने वाला है। सो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे एनुअली सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप भी एनुअली यहाँ पे ले सकते हो। 708 रुपये केवल आपके लगने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे देखिए डोमेन कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 1 साल के लिए आपको DNS मैनेजमेंट जो है फ्री मिलेगा, मतलब आपका जो ये डोमेन है 1 साल के लिए फ्री है। और यहाँ पे अगर आप होस्टिंग यहाँ पे फुल डोमेन प्राइवेसी चाहते हैं तो 99 रुपये और आप देंगे तो आपको फुल यहाँ पे जो है प्राइवेसी मिल जाएगी। आपका डोमेन नेम से कोई भी आपका डेटा नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो इसे आप चेक मार्क लगा लेंगे अगर 99 रुपये और अगर आप खर्च कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो अनचेक करिए और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो होस्टिंग है वो 708 रुपये का है और हमारा जो डोमेन है वो 799 रुपये का है। तो यहाँ पे टोटल मिला के देखा जाए तो 1507 रुपये का यहाँ पे हमारा बिल आता है। और इसे आप चेकआउट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। चेकआउट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे आपका पेमेंट मेथड पूछा जाएगा, आपके ईमेल पर एक ईमेल भी भेजा जाएगा जो ईमेल आप डालोगे, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना ईमेल डाल दिया। अब आपको यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए एक OTP आएगी आपके ईमेल पे, ये डालना है आपको और यहाँ पे वैलिड वेरिफिकेशन नाउ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा ईमेल आता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ईमेल आ चुका है और यहाँ पे ये देख सकते हैं कोड है 631460, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोड डाल देते हैं। तो यहाँ पे कोड डालने के बाद आपको वेरिफिकेशन नाउ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए सक्सेस ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपसे आपका पूरा यहाँ पे डिटेल मांगेगा, जो भी आपका डिटेल है, आपका एड्रेस है, वो सारा इन्फॉर्मेशन भर देना है और इन्फॉर्मेशन भरने के बाद कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना पूरा डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लिया है और नीचे की तरफ आएंगे। ये सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड बोला जाएगा कि आप अपना पासवर्ड बना लीजिए। तो यहाँ पे पासवर्ड डालना है और उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड करना है और उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछना है, लेना है यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ले लेना है और उसके बाद उसका आंसर यहाँ पे दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि PayU Money, PayPal, UPI बैंकिंग, जितने भी मतलब ये वैलेट वगैरह हैं, UPI वगैरह, गूगल पे वगैरह, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा और ईजिली यहाँ पे आप पेमेंट कर पाएंगे। तो चलिए हम पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना देख सकते पासवर्ड डाल लिया है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग डालना है आपको। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया और उसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको पहले वाले पे चेक मार्क रखना है, UPI, नेट बैंकिंग, Paytm, और उसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे चेक मार्क लगाना है, टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है और यहाँ पे आपको कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपके सामने इस तरह का QR कोड आ जाएगा। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए Paytm आ गया है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो अदर UPI मेथड आप यूज कर सकते हो, UPI भीम से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपका जो सर्विस है वो एक्टिवेट हो जाएगा, होस्टिंग और डोमेन आपका
बाई हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट वगैरह अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी यूज किया है इस होस्टिंग को ख़रीदने के लिए, उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को आपको यहाँ पे इंटर करना है और लॉगिन कर लेना है। जैसे आप परचेज अपना कंप्लीट करेंगे तो आपको ऐसा ही लॉगिन डैशबोर्ड मिल जाएगा और आपके ईमेल पर भी लॉगिन डिटेल्स पूरी सेंड कर दी जाती है, तो आप ईमेल पर भी आप एक बार नज़र डाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस अपना डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना ईमेल और पासवर्ड डाल लिया, अब लॉगिन बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, हमारा जो पैनल है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा इनवॉइस जो है दिखा रहा है कि हाँ ये इनवॉइस पेड हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो चलिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है। चलिए हमारा इनवॉइस देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड जो है हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे दिखेगा बैक टू क्लाइंट एरिया, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आप बैक क्लाइंट एरिया में अपने आ जाएंगे और आपका यहाँ पे इनवॉइस वगैरह दिखाएगा और आपके एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी और इसे वैलिडेट आपको अब करना है, ठीक है। तो चलिए ओटीपी डाल के वैलिडेट कर लेते हैं। अब ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये सक्सेस हो गया, ओके कर देते हैं। हमारा फ़ोन नंबर भी यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे एक सर्विस है, हमारा होस्टिंग है, एक डोमेन है और यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब कैसे आप इस पर अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में अब बताने वाला हूँ। अब पूरा यहाँ पे साइट कैसे क्रिएट होगा अब इसके बारे में आप जानेंगे। सी पैनल में लॉगिन करने के बाद आपका सी पैनल कुछ इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे आपका डोमेन जो है उस पर ऑटोमेटिक SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल है। अब आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्ड करना है तो यहाँ पे सबसे पहले वेलकम में ही मिल जाएगा आपको बिल्ड अ वेबसाइट, तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो आप नीचे की तरफ आओगे और आपको मिल जाएगा वर्डप्रेस टूलकिट, इस पर भी आप क्लिक करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो चलिए हम बिल्ड अ वेबसाइट पे क्लिक कर लेते हैं और हम यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट अब यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो वर्डप्रेस सबसे पहले इंस्टॉल होगा, तो जैसे ही ये ओपन होगा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो इंस्टॉल वर्डप्रेस पे आप क्लिक करिए और थोड़ा सा इसमें आप समय दीजिए, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, थोड़ा सा समय लेता है। तो यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है, वेट करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपने वेबसाइट का टाइटल दे देना है, तो यहाँ पे हम चलिए दे देते हैं वेबसाइट का टाइटल, तो हमारा न्यूज़ साइट है, ठीक है, ब्राइट न्यूज स्टूडियो, ठीक है, यहाँ पे टाइटल दे दिया। और उसके बाद बेसिकली आप यहाँ पे वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो, तो जितना हो सके आप कोशिश करिए कि लेटेस्ट वर्जन ही यूज करिए, ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन ही है यहाँ पे। अब आपको वर्डप्रेस के लिए यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है, तो चलिए हम पासवर्ड और यूजर नेम भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे एडमिन रख देता हूँ मैं, यूजर नेम और पासवर्ड मैं यहाँ पे अपना बना देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड बनाने के बाद अब आपको नीचे की तरफ आना है और सिंपली यहाँ पे देखिए इंस्टॉल बटन है, इंस्टॉल पर आपको क्लिक कर देना है और आपका जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और इंस्टॉल होने दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस, तो अभी डाउनलोड कर रहा है और इसे अनपैक करेगा, डेटाबेस वगैरह क्रिएट होगा, तो ये थोड़ा सा समय लेता है, तो पूरा इसे होने दीजिएगा आप, मतलब इसे क्लोज या बंद करने की कोशिश मत करिएगा, ये पूरा 100% कंप्लीट होने दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा टास्क कंप्लीट हो गया है, 100% हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली इसे क्लोज करते हैं और जैसे ही आप क्लोज करेंगे अब देखिए यहाँ पे प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करने के लिए बोला जा रहा है, तो अभी हम प्लगइन वगैरह वर्डप्रेस में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, तो अभी नो करते हैं और एक बार साइट ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइट जो है अब ओपन हो रही है, brightnewsstudio.com। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये बेसिक वर्डप्रेस का थीम है, तो हमारी साइट अभी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके लिए आपको अच्छा थीम यूज करना होगा और अपने साइट पे कंटेंट डालना होगा। तो चलिए अब यहाँ पे आप कैसे लॉगिन करेंगे ये चीज़ें मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है,
आपको अपनी साइट का जो URL है उसके जस्ट सामने आपको स्लैश लगाना है और WP एडमिन लिखना है, ठीक है। तो WP टैग एडमिन आप लिखेंगे और इतना लिखने के बाद आपको सिंपली इंटर बटन को प्रेस करना है और ये देखिए आपका वर्डप्रेस का लॉगिन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप अपना यूजर नेम डालिए और पासवर्ड डालिए, लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ लॉगिन बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखेंगे अभी हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और इसे हम डिसमिस करते हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि हम अपने में यहाँ अपने इस वेबसाइट पर सबसे पहले थीम अपलोड करेंगे, एक अच्छा सा थीम। तो थीम्स पे चलते हैं और थीम्स पे जाने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है और अपलोड थीम पे क्लिक कर देना है। आपके पास कोई थीम ना हो तो आप फ्री वाला थीम भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये एस्ट्रा हो गया, उसी तरह से OCMWP हो गया। ऐसे आपको बहुत सारे थीम मिल जाएंगे जो काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। तो मेरे पास एक थीम है तो वो मैं यूज करने वाला हूँ, न्यूज़पेपर थीम। थीम सिलेक्ट करने के बाद आपको इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर देना है और आपका जो थीम है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थीम हमारा अभी इंस्टॉल हो रहा है और इस थीम की वजह से आपकी साइट का जो लुक है वो काफ़ी बदल जाएगा, न्यूज साइट की तरह दिखने लगा। तो एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ज़रूरी प्लगइन है जिसे आपको इंस्टॉल करना होगा। तो अभी इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन पे मैंने क्लिक किया, देखिए ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो ये इंस्टॉल करना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है लेकिन एक एरर आया, अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो इसे चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन में जाते हैं, प्लगइन में जाके यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी देखिए प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब रिटर्न होते हैं प्लगइन पैनल पर और इसे हम एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा जो प्लगइन है एक्टिवेट हो जाएगा। अभी देखिए ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पे हम चलते हैं और इंस्टॉल डेमो इंस्टॉल करते हैं अपने साइट पर, क्योंकि हमारे साइट पे कंटेंट नहीं है तो कुछ डेमो इंस्टॉल करेंगे। और देखिए ये इंस्टॉल करते हैं इंक्लूडिंग कंटेंट, कंटेंट नहीं है तो हम कंटेंट के साथ इंस्टॉल करेंगे ताकि यहाँ पे आपको दिखे कि साइट मतलब न्यू साइट बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे हम इसे इंस्टॉल होने देते हैं। अभी देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल होने के बाद आप पूरा यहाँ पे सीख जाओगे कि कैसे न्यूज साइट बनाते हैं और आपको कुछ प्लगइन्स भी बताऊंगा जो आपको न्यूज साइट अगर आप रन कर रहे हो तो आपको ज़रूरी है ये सभी प्लगइन्स को यूज करना, ठीक है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, देखिएगा। तो यहाँ पे डेमो इंस्टॉल हो चुका है। अब चलिए एक बार अपनी साइट को हम विजिट करके देख लेते हैं कि हमारी साइट अब कैसी दिख रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं brightnewsstudio.com ओपन हो चुका है और इस पर न्यूज़पेपर थीम जो है इंस्टॉल हो गया है। तो अभी कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो रहा है पूरी साइट। तो अभी देख सकते हैं ये साइट का लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी न्यूज जो थीम होते हैं न्यूज वाले जो वेबसाइट होते हैं उस तरह से यहाँ पे दिख रही है। और कोई चलिए पोस्ट ओपन कर लेते हैं, ये पोस्ट ओपन करने से और आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पोस्ट ओपन हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी न्यूज जैसे न्यूज में पोस्ट पब्लिश होते हैं वैसे यहाँ पे पोस्ट दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप एक न्यूज साइट बना सकते हो। अब चलिए ज़रूरी प्लगइन्स मैं आपको बता देता हूँ। प्लगइन्स में आपको जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक कर देना है और न्यूज के लिए आपको जैसे साइट मैप चाहिए, ठीक है। तो साइट मैप के लिए आपको यहाँ पे रैंक मैप यूज करना है जो फ्री में आपको साइट मैप बना देगा और आपके जितने भी पोस्ट हैं SEO वगैरह हैं वो सब भी अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं रैंक मैथ SEO आपको यूज करना है, इससे आपकी साइट मैप भी क्रिएट हो जाएगी। तो इसे इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जितने भी प्लगइन्स हैं इम्पॉर्टेंट वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तो हो गया साइट मैप, बेसिक पोस्ट के साइट मैप हो गए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको न्यू साइट मैप कैसे यहाँ पे कौन सा यूज करना है। तो अभी इसे इंस्टॉल होने से पहले फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि न्यू साइट मैप के लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो गया। अब न्यू साइट मैप मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे सर्च करना है न्यू साइट मैप, ठीक है। अब न्यू साइट मैप जैसे ही आप सर्च करेंगे
आपके सामने कुछ प्लगइन्स आ जाएंगे। देख सकते हैं ये पहला वाला जो प्लगइन है XML साइट मैप एंड गूगल न्यूज, तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और गूगल न्यूज का अप्रूवल भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा काम करेंगे तो मैंने बताया हुआ है कि कैसे गूगल न्यूज का अप्रूवल लेते हैं। और आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी यूज कर लेना है। और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आप कुछ और भी प्लगइन्स हैं न्यूज के लिए, तो बेसिकली यही कुछ रिक्वायरमेंट जो थी मैंने बता दिया। और यहाँ पे अगर आप जल्दी जल्दी पोस्ट लिखना चाहते हो तो कुछ प्रीमियम प्लगइन आते हैं, उन्हें आप यूज कर सकते हो, बट वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। आप बेसिक से इस तरह से स्टार्ट करिए और अपना पोस्ट वगैरह लिखिए, ठीक है। तो पोस्ट वगैरह लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बेसिक चीज़ें मैंने बता दी कि क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है, कौन कौन से प्लगइन्स आपको यूज करने हैं। SEO के लिए आप रैंक मैप यूज करेंगे, और न्यूज़ साइट मैप के लिए मैंने प्लगइन आपको दिखा दिया, उसे यूज करना है। और गूगल न्यूज़ का अप्रूवल के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसे आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप अपनी एक साइट बना सकते हैं, और देख सकते हैं साइट यहाँ पे लोगो वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, अपना लगा सकते हो, ठीक है। कस्टमाइजेशन में ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे, तो काफ़ी अच्छा है, आप इजीली ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे कि न्यूज़ साइट कैसे बनाते हैं, और देख सकते हैं आपका वर्डप्रेस साइट इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप न्यूज़पेपर थीम का पूरा कस्टमाइजेशन सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे न्यूज़पेपर थीम को फुल्ली कस्टमाइज किया जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।